अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद तला कुरैशी फ्रॉम मोबाइल्स पॉइंट। आज हम जिस फ़ोन की अनबॉक्सिंग लेके आए हैं आपके लिए, वो है सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप। ये एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है, सैमसंग की तरफ से ये निकला है। ये बेसिकली सैमसंग का दूसरा ऐसा मॉडल है जो कि फोल्ड होता है। हमारे पास ये बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज में अवेलेबल है, सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप इसका नाम है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे के सारे अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। चलें आए करते हैं अब इसको अनबॉक्स और जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसकी सील ब्रेक। ये इसकी सील हो गई है ब्रेक। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो डब्बे में लिखा हुआ है वो है जेड, मतलब जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जैसे ही हमने इसको अनपैक किया है यहाँ से, तो हमारे पास जेड हट गया है और फ्लिप लिखा आ गया है। बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। और एक और बात, इसकी जो खासियत है, जिस कलर में भी ये फ़ोन होगा उस कलर से यहाँ पे फ्लिप और वहाँ उसके डब्बे के ऊपर जेड लिखा होगा, वो उसके कलर को डिफाइन करता है। जिसका मतलब ये है, हमारे पास ये ब्लैक में लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ब्लैक कलर के वेरियंट में मौजूद है। चलें जी। अच्छा जी, सबसे पहले हमें मिलता है फ्यूचर चेंजेस शेप, मीट योर जेड फ्लिप। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास इस बॉक्स के अंदर और क्या अवेलेबिलिटी है। सैमसंग का ये मेरा ख्याल है इसके अंदर वो होगा, होना चाहिए केस होना चाहिए। इसके अंदर से वो लगी हुई है, सेम इजेक्शन पिन लगी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास, हमने जब इसको निकाला है तो ये है सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सैमसंग ट्रांसफ़र वर्ड्स इंपॉर्टेंट, ये एक तरीका दिया गया है कि आप अपने ओल्ड सैमसंग डिवाइस से नए सैमसंग डिवाइस में डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एज एक्सपेक्टेड ये है हमारे पास एक केस जो कि हमारे पास दो हिस्सों में है, क्योंकि ये बेसिकली फुल डिवाइस है और इसके अंदर एक हिस्से पे एक तरफ केस लगेगा, दूसरे हिस्से पे दूसरी तरफ केस लगेगा, ताकि आराम से ये फ़ोन फोल्ड हो सके और फोल्ड होते हुए ये ब्रेक ना हो प्रोटेक्टर। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, अब हमारे पास आता है हमारा सैमसंग जेड फ्लिप, जिसके ऊपर केयर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, मतलब ज़ोर से इस पर टच नहीं करना आपने। इसके अंदर कोई भी कार्ड या चाबी ना आए जब इसको फोल्ड करके आप रख रहे हैं। ये डिवाइस वाटरप्रूफ भी नहीं है, डस्ट रेजिस्टेंट भी नहीं है, सैमसंग के बाकी डिवाइसेस की तरह जो सारे डस्ट रेजिस्टेंट होती हैं ये नहीं है। इसके ऊपर आप किसी किस्म का प्रोटेक्टर नहीं लगा सके ऑब्वियसली, क्योंकि ये वो है फोल्डेबल स्क्रीन है, कोई भी प्रोटेक्टर लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। और इस डिवाइस के पास आपने कोई मैग्नेट नहीं लेके आना, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जमा बना देगा जिससे आपको प्रॉब्लम होगी बाद में मोबाइल के कलर्स के अंदर। चलें जी, अब करते हैं हम इसको अनपैक। नहायत ही खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर ये फ़ोन आया हुआ है। जैसे ही हम इसको फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है सैमसंग की ब्रांडिंग, जिसके अंदर मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं। ये रहा इसका कैमरा और ये रहा इसका फ्रंट कैमरा। अभी फ़िलहाल हम इस फ़ोन को रख देते हैं साइड पे और चलते हैं अपने बाकी बॉक्स की तरफ। बॉक्स में हमें और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सैमसंग गैलेक्सी जेड प्रीमियम सर्विसेज, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट किस्म की, कि 24 आवर्स इनकी सर्विस है। कोई हेल्प लाइन पे अगर आप इनको कॉल करें तो 1 ईयर स्क्रीन रिप्लेसमेंट ऑफर है, 1 टाइम आउट ऑफ वारंटी रिप्लेसमेंट, वारंटी स्क्रीन रिप्लेसमेंट। लेकिन ये मेरा ख्याल है डॉलर्स में इसकी कीमत गिवन है, तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ अमेरिका के साइट पे वैलिड होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने फ़ोन के बाकी दीगर एक्सेसरीज की तरफ। और इसके अंदर बेसिकली एक चार्जर आता है जो कि आजकल हमें कई एक कंपनी ऐसी है जो प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन सैमसंग हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं और क्या है हमारे पास बॉक्स में। ये बेसिकली एक चार्जिंग केबल होगी। अच्छा, बेसिकली इन्होंने हर फ़ोन के अंदर जो केबल दी थी चार्जिंग की, वो दी थी टाइप सी टू टाइप सी, लेकिन इसके अंदर इन्होंने USB टू टाइप सी केबल दी हुई है, जो कि बाकी फ़ोनों से थोड़ा कम मेरा ख्याल है चार्ज करेगी, कम स्पीड पे थोड़ा सा चार्ज करेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पावर्ड बाय AKG, साउंड बाय AKG, सॉरी, हैंड फ्री की तरफ, जो कि पावर्ड बाय AKG है। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। अच्छा, ये भी टाइप सी के अंदर है, यानी यकीनन इसके अंदर भी, इस फ़ोन के अंदर वो नहीं होगा, 3.5 mm का जैक गिवन नहीं होगा। चलें इसको खोलते ही नहीं है क्योंकि
तकरीबन सैमसंग के फोन की हैंड फ्री आजकल सब सेम ही आ रही हैं। ये उन्होंने हमें थोड़े ईयरबड थोड़े से अलग से दिए हुए हैं, ताकि अगर हमसे एक गुम जाए या अगर आपके साइज का उसमें नहीं लगा हुआ तो आप अपने साइज का लगा सकते हैं। चलें जी, आइए चलते हैं अपने फोन की तरफ और इसको करते हैं स्विच ऑन। अच्छा जी, सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप सिक्योर्ड बाय नॉक्स पावर्ड बाय एंड्रॉयड। ठीक है जी, जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक हम इसकी बाकी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने एक छोटी सी स्क्रीन दी हुई है जिसके ऊपर वो शो कर रहा है वो सैमसंग की ब्रांडिंग। इसकी चीज़ें प्रो देखते हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन के अंदर जब हम इसको फोल्ड भी कर रहे हैं तो भी इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। अच्छा, बेसिकली ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, यानी कि आप 6.7 इंच की जो इसकी डिस्प्ले की स्क्रीन है उसको आप हाफ कर सकते हैं, तकरीबन 3.35 इंचेस की स्क्रीन हो जाएगी इसकी, और आप इसको अपनी पॉकेट में रख के आराम से घूम सकते हैं। आइए चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ, मैं इसको जल्दी से रेडी कर लेता हूँ और फिर आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। जी गाइस, तो यहाँ पे हमने कर लिया अपना फ़ोन रेडी, और इसकी जो स्क्रीन का डिस्प्ले है वो एज़ एक्सपेक्टेड सैमसंग हमेशा बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन देता है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1080x2636 रेजोल्यूशन सपोर्टेड है। 6.7 इंच की इसका बिग डिस्प्ले है। इसके अगर कैमरे की बात की जाए तो इसका कैमरा जो है वो है 12 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा है, और इसका फ्रंट कैमरा जो है वो है तकरीबन 10 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। ये हमारे पास 8 GB और 256 GB वेरिएंट में अवेलेबल है। बैटरी की अगर इसकी बात की जाए तो बैटरी इसकी है 3300 mAh की इसकी बैटरी है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये टाइप सी के ऊपर, और 15 वॉट का इसके अंदर फास्ट चार्जर अवेलेबल है। 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। नहायत खूबसूरत डिज़ाइन में, स्लीक डिज़ाइन में अवेलेबल है। जहाँ तक इसकी बॉडी की बात की जाए तो इसकी जो बॉडी का फ्रंट का फ्रेम है वो है प्लास्टिक की बॉडी है इसका फ्रंट का फ्रेम, और नैनो सिम इसमें लगती है। और बैक की अगर बात की जाए तो बैक पे यहाँ गिलास बॉडी हमारे पास गिवन है, लेकिन इसके अंदर जो एक ड्रॉबैक ये आया है कि ये अभी इसके अंदर मेमोरी कार्ड का स्लॉट अवेलेबल नहीं है। और अगर आप ये मोबाइल्स पॉइंट से परचेस करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज में ये मिलेगा। बेसिकली हम लोगों के पास ये बहुत अच्छी प्राइस पे आया हुआ है। वैसे इस मॉडल की प्राइस 2,60,000 है नॉन पीटीए की, लेकिन अगर अभी आप हम लोगों को ऑर्डर देंगे, हमारी 3 डेज की सेल ऑन है आज से इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स, अगर आप अभी हमें ऑर्डर देंगे तो आपको ये मिलेगा 1,35,000 का नॉन पीटीए में मिल जाएगा, और 1,70,000 का आपको मिल जाएगा ये विद पीटीए अप्रूव्ड के अंदर। अगर आप हमसे ये फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक का पेज का हमने एड्रेस दिया हुआ है, हमने अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। काइंडली आप उस पर हमें मैसेज करें और अपना एड्रेस हमें गाइड कर दीजिए ताकि हम ये आपके डोर स्टेप पर इसको डिलीवर कर सकें। अगर आप हमसे फिजिकली विजिट करके हमसे ये फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे शॉप का एड्रेस भी गिवन है, तो आप वहाँ पर भी हमें विजिट करके हमारे आउटलेट पर हमसे ये चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, दिस वॉज मोहम्मद अल्लाह कुरैशी फ्रॉम मोबाइल्स पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।